पूरे 2 साल हो गए KGF चैप्टर 2 का इंतजार करते करते, यहाँ तक कि इसके फैंस ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि KGF चैप्टर 2 हमें 2021 में भी देखने के लिए मिलेगा। लेकिन दोस्तों उसका टीजर आ चुका है। तो इतना ही नहीं, टीजर तो काफी पहले आ चुका है लेकिन इस बार आई है टीजर के साथ साथ KGF 2 की रिलीज डेट। यहाँ दोस्तों सही सुन रहे हैं आप लोग, 16 जुलाई 2021 में KGF 2 धमाका मचाते हुए दिखाई देगी इंडियन सिनेमा पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं KGF चैप्टर 2 की पूरी मूवी और उसकी रिलीज डेट के बारे में। दोस्तों KGF चैप्टर 2 का टीजर देखने के बाद मुझे नहीं लगता शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो कि KGF चैप्टर 2 नहीं देखना चाहेगा। दोस्तों वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं KGF चैप्टर 2 की छोटी छोटी सारी डिटेल्स के बारे में, जो कि आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि जान के आप लोगों को फिल्म का असली मतलब समझ में आएगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले KGF के दोनों पार्ट की। तो दोस्तों KGF चैप्टर 1 आया था 2018 में। KGF के चैप्टर 1 ने इतनी कामयाबी हासिल करी तभी से उसके फैंस चैप्टर पार्ट का 2 का इंतजार कर रहे हैं। आखिर 2 साल बाद उन्हें टीजर देखने के लिए मिला और काफी ज्यादा धमाकेदार टीजर था, हालांकि उसमें डायलॉग नहीं थे। तो इस टीजर को देखने के बाद इसके फैंस में मूवी के लिए क्यूरियोसिटी काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो शायद ही कोई आदमी होगा जो कि इस मूवी को देखने नहीं जाएगा। इसका रिव्यू मैं अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को करके दिखा चुका हूँ। लोगों को कुछ भी रिव्यू के बारे में जानना है लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। जब दोस्तों KGF का चैप्टर 1 आया था तो सभी को पता चल गया था ये काफी लंबी स्टोरी होने वाली है और इसे एक पार्ट में खत्म करना काफी मुश्किल होगा। मैं आप लोगों को बता दूं KGF के चैप्टर 2 में वही सारी चीजें ज्यादा जो कि हमें चैप्टर 1 में देखने के लिए मिली थी, जैसे कि रॉकी का धमाकेदार एक्शन और एक माँ बेटे का इमोशन। इस फिल्म के मेकर ने इसमें इमोशनल एलिमेंट काफी अच्छे से ऐड किया गया है जिससे कि ऑडियंस भी इस फिल्म से बन जाए और इसको जरूर देखे। इसके साथ दोस्तों जो पूरी KGF यानी कि कोलार गोल्ड लाइंस वाली सीक्वेंस थी, जैसे कि वो मूवी की कहानी सुनाई जाती है, वो उसमें और भी ज्यादा दिखाई दी है कि KGF के चैप्टर 2 में और भी 4 चांद लगा दिए हैं। एरियल टीजर में बहुत सारे एरियल और ड्रोन शॉट्स हैं जो कि देखना बहुत ही अच्छा लगा और टीजर की शुरुआत देख के आप लोग समझ ही गए होंगे। शुरुआत होती है रॉकी और उसकी माँ से। दोस्तों इस टीजर में हम साफ देख सकते हैं कि चैप्टर 2 भी चैप्टर 1 की तरह इमोशन से ही जुड़ा हुआ होगा। तो इसके बाद हमें नेक्स्ट झलक देखने के लिए मिलती है अच्छी गोल्ड माइंस वाले एरिया की, जहाँ पर कि सारे के सारे मजदूर जो होते हैं व्हाइट कपड़ों में खड़े होते हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि ये वही मजदूर हैं जो कि पहले बंधक थे गरुड़ा के, लेकिन जब से यश ने उनका टेक ओवर लिया है गोल्ड माइंस का, यानी कि फिल्म के हीरो रॉकी ने, उनकी हालत में काफी ज्यादा सुधार हो गया और उन्हें अच्छे से ट्रीट किया जाता है बजाय जानवर की तरह। दोस्तों उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि रॉकी ने इनकी रहने की भी व्यवस्था अलग से करी हो, छोटा सा गांव बनाया हो या फिर और भी कई चीजें, जो तो आप लोगों को फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। और दोस्तों इस मूवी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए चैप्टर 2 में CBI भी इन्वॉल्व हो रही है। तो काफी इंटरेस्टिंग होगा ये देखने में कि रॉकी अपने पुराने दुश्मन और CBI से बच करके गोल्ड माइंसों को चलाता है। तो जैसा कि उसने अपनी माँ से वादा किया था कि वो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करके दिखाएगा, क्या वो इस वादे पर अमल कर पाता है या नहीं कर पाता है। एक सीन ये भी आता है यहाँ पर कि फिल्म के विलेन यानी कि अधीरा को दिखाया जाता है। तो इस फिल्म में सबसे बड़ा दुश्मन रॉकी का अधीरा ही होने वाला है और उसी के साथ साथ नीति की क्वीन रवीना टंडन भी होने वाली है। देखने वाली बात होगी रॉकी किस तरह से इनके चंगुल से बच पाता है। आप लोगों का क्या ख्याल है इस पूरी फिल्म के बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, गुड बाय।